दिन सुबिल के साथ घूमना चाहते हो ना? चलो आज का दिन मैंने तुम्हें सुबिल के साथ घूमने के लिए दे दिया। लेकिन जाए कहाँ? जीजू के घर। दादाजी कह रहे थे आपके पैरों में मोच आई है, मैं देख लूं। अरे क्या किया तुमने? चलो चलो बाबूजी के पास, उनको भी तो पता चले इनके ऋषि के लिए कितनी लायक और होनहार बहू ढूंढी उन्होंने, जिसमें ना ही तमीज है और ना ही संस्कार। ए, वो कौन है? लगता है कोई भूत है। है? ये सब कुछ नहीं होता, चलो हम लोग आके देखते। हाँ चलो। हाँ हाँ, मैंने ऑफिस पे इंस्ट्रक्शन दे दिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे समझियो, देख लिया घर? भूत भूत। बाबूजी बाबूजी, क्या बात है रसिक, इतने गुस्से में क्यों? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? पूछिए इसे कि इसने बाका पैर क्यों मरोड़ा। क्या जवाब दो ना, सच है ना ये? हाँ। देखा बापूजी, है कुछ शर्म जैसा इसे? आप ही कहते हैं ना कि जो गलत है वो गलत है, तो इस वक्त सुबह गलत है। इसे कहो के बासे माफी मांगे, सॉरी कहे बासे। अरे रसिक बेटा, तू माफी मांगने की बात कर रहा है? अरे हम सबको तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया? हाँ। सुबह बेटा, एक पल के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी, लेकिन देखो अब देखो, मौज गायब कहना पड़ेगा। तेरे हाथों में तो कमाल का जादू है, जीती रहे। अरे वाह सुबह, तुम में ये गुण भी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मम्मी जी, पापा, घर में चोर घुस आया और कमरे से मेरी घड़ी भी चुरा ली। यही है वो चोर, मेरे कमरे में आकर मेरी घड़ी चुरा ली। झूठे, हम चोर नहीं है। सच झूठ का सब अब पता चल जाएगा, रुको। नहीं नहीं काका, दादाजी मेरा विश्वास कीजिए, मेरे मोटू पतलू पड़ाकू शरारती जरूर है, पर चोर नहीं है। अच्छा तो इतना डर क्यों रहे? अगर इनमें से किसी एक के पास भी घड़ी मिली ना तो। रसिक, ये हमारे मेहमान है और घर आए हुए मेहमानों का अपमान करना ये हमारे संस्कार नहीं है। और मुझे सुबह की बात पर यकीन है कि ये बच्चे चोरी नहीं कर सकते। तो फिर मेरे कमरे से घड़ी कहाँ गई? इन तीनों ने ही चुराई है। वैसे हिला बहू, ये बच्चे तुम्हारे कमरे में आए थे, इससे ये साबित नहीं होता कि इन बच्चों ने तुम्हारी घड़ी चुराई है। सबसे पहले तुम्हारे कमरे में चलते हैं। जी आइए दर। चलो बच्चों। मैं यहाँ पर बैठी थी और ये तीनों बच्चे यहाँ आए, और जब से ये लोग रूम से गए ना, मेरी घड़ी मिसिंग है। अरे कहाँ जाएगी इला बहू, यहीं कहीं होगी। देखो देखो बेटा, ढूंढो। माय गॉड, घड़ी तो यही है। मैंने बेकार में ही सीन क्रिएट कर दिया, अब क्या करूं? हाँ ये ठीक रहेगा। ये रही घड़ी, ये धक्का मार के छुपा रहे थे। अब नहीं नहीं दादाजी, भला मैं क्यों अपनी घड़ी अपने पाँव से धक्का मार के छुपाने लगी? देखा भाई एक और ड्रामा, सुबह बंद कर दो इन चोर बच्चों के साथ घूमना। नहीं काका, आप गलत समझ रहे हो, वो लोग चोर थे। प्लीज, और एक बात समझ, अगर तीन में से किसी एक के पास भी घड़ी मिली ना तो। घड़ी मिल गई है, मिल गई है घड़ी। घड़ी इला बहू के कमरे में ही थी और इसके पैरों के नीचे दब। इसके पैरों के नीचे दब गई थी
इसलिए नहीं मिली। लीला बाबू इन सब से कहो ये बच्चे चोर नहीं है। अब जाने भी दीजिए। नहीं, इसे कहना होगा। बोलो। इन बच्चों ने चोरी नहीं की है। सॉरी। रसिक, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। रसिक, आज जो तुमने सुबह से कहा उस पर इल्जाम लगाया, ये सब कहने से पहले तुमने एक बार भी सोचा कि उस बिचारी के दिल पर क्या गुजरी होगी? अरे कितने अरमानों के साथ पहली बार वो अपना ससुराल देखने आई थी और तुमने उसके अरमानों का मजाक बना दिया। तुम सब ने मिलकर उस पर ऐसा इल्जाम लगाया जो जिंदगी भर नहीं भूल सकती। डांटा बाबू जी, मैंने उसे डांटा क्योंकि मुझे बाकी फिक्र थी। मेरे ना कहने के बाद भी उसने बा का पांव ट्विस्ट किया। अगर बा को कुछ हो जाता तो? हाँ, माना कि तुम्हें तुम्हारी बाकी चिंता है, मगर उसी लड़की ने तुम्हारी लाडो बा की तकलीफ दूर की, उसका पैर ठीक कर दिया और उसके बदले में तुमने एक बार भी उसे थैंक यू कहना भी मुनासिब नहीं समझा। और ऊपर से वो हिला की बात में आकर उन सब पर शक किया। आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जरा सोचो कि जब ऋषि को मालूम पड़ेगा कि उसकी होने वाली दुल्हन का इस तरह स्वागत किया गया तो क्या सोचेगा? अरे कितनी शर्मिंदगी महसूस करेगा वो सुबह के सामने। इसलिए इस बात को यहीं पर दफन कर दो और सबसे कह देना कि आज के बाद इस बात का जिक्र ऋषि के सामने कभी ना करें। समझ में नहीं आ रहा है क्या देखा है ऋषि उस लड़की में। चलने शुभली, घर चलते अपने घर। चलना शुभली, चलने चले जाएंगे, लेकिन दादाजी को बिना बोले नहीं जा सकते ना। मैं जानती हूँ लोगों को बहुत दुख हुआ ना, लेकिन इलाबेन ने हमसे माफी भी तो मांगी ना, उन्होंने हमसे सॉरी कहा ना। और यहाँ हम कभी दोबारा नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कहते मोटू, जब हम यहाँ पे आए तो कितने खुश थे है ना, और दादाजी ने हमें आइसक्रीम भी दी है ना। हाँ, पर हम चोर नहीं है। हाँ सुनिए। हाँ मैं जानती हूँ, और हीला बहन ने भी तो वही कहा ना। चलो अब तुम लोग रोना बंद करो, मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल से तुम लोग रोते हुए वापस जाओ। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अच्छा सुनो, अब मेरी शादी है ना, तो तुम लोग तीनों तो मुझे शादी का तोहफा दोगे ना। तो ठीक है, आज मैं तुम लोग पे अपनी शादी का तोहफा मांग रही हूँ। इन सब की तरफ से मुझे माफी दे दो। बोलो तुम भी तो माफ करोगे ना। देख बेटा, इसे ध्यान से देख, शायद तू इसे पहचान नहीं पाया, लेकिन मैं इसे अच्छी तरह पहचान गया हूं। देख लेना, एक दिन यह हमारे परिवार की आदर्श बहू बन जाएगी। याद रख। दादाजी। बेटा, आज तुम्हें ससुराल वालों की वजह से अपने मैके वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, इसलिए ना दादाजी। दादाजी आप सब तो मेरे अपने हो, मैं मोटू पतलू पड़ाकू, आप सबसे बहुत छोटे हैं। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपसे एक बात कहनी थी दादाजी, मुझे ना झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आज यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, वो अगर मैं नाना जी को ना बताऊं
उनसे छुपा कर रखूं तो मैं कुछ गलत नहीं करूंगी ना। वो क्या है ना कि आज जो यहाँ हुआ वो अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो परेशान हो जाएंगे, इसीलिए आज यहाँ जो हुआ वो हम सब अगर भूल जाए तो ही अच्छा है। बेटी, तुम उम्र में हमसे छोटी हो मगर तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है बेटा। अब बकुला बहू। जी बापूजी। हमारी होने वाली बहू घर में पहली बार आई है, क्या इसे खाली हाथ जाने दोगी? नहीं बापूजी। नाना दादाजी, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, वो नानू बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अरे तेरे नाना को तो मैं समझा दूंगा, उसे कहना कि दादा ने खुश होकर ये तोहफे दिए। हाँ तो भले। समझ में नहीं आ रहा है कि बापूजी पर क्या जादू कर दिया उस लड़की ने। जाने दीजिए, भूल जाएगी। भूल जाऊं? जाने दो, इतना सब कुछ होने के बाद सब कुछ भूल जाऊं मैं? समझ सकता। नहीं समझ रही हो तुम मुझे, कोई नहीं समझ रहा है मुझे। ऐसी बात नहीं है, बताइए आप इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि मैं ऋषि का बाप हूं। अपने ऐसे होनहार बेटे की शादी ऐसी जाहिल लड़की के साथ होते हुए नहीं देख सकता मैं, नहीं देख सकता उसे अपनी बहू बनते हुए। मन तो करता है कि शादी से पहले सब कुछ छोड़कर चला जाऊं यहाँ से, बापूजी जाने और ये शादी जाने। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आप ये घर छोड़कर चले गए तो पता नहीं घर में क्या तूफान आ जाएगा। शायद आप सही कह रहे हैं, अगर ऋषि के जीवन में कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदार मैं भी रहूंगी, क्योंकि मैंने भी उसे इस रिश्ते के लिए मनाने की कोशिश की है, ये कहकर कि बापूजी का फैसला कभी गलत नहीं होता। बकुला, बापूजी की जिंदगी का ये सबसे बड़ा गलत फैसला होगा। लेकिन क्या कर सकते, आपने तो फोन किया था ना ऋषि को ये कहने के लिए कि सुबह सही लड़की नहीं है, लेकिन उसने तो ये कह दिया तो सुबह को जाने लगा है। यही बात तो समझ में नहीं आ रही है बकुला, कि अपना ऋषि उस लड़की के पीछे क्यों दीवाना हो रहा। ये लोग ये समझते हैं कि सुबह के साथ तुम्हारा रिश्ता सही नहीं है। क्या सुबह तुम्हारे लिए आइडियल लाइफ पार्टनर बनेगी, इस घर की आदर्श बहू बनेगी? हाँ, देखो तो क्या रुआ हुआ हमारी सुबली का। अरे सुबली नहीं, सुबह को सुबह प्रतिष्ठित पारिक परिवार की होने वाली बहू। शू वट छे थैंक यू भैया, ठीक से जाना। ओके मैडम। मैडम मैडम, अभी गयो मरा वालिडा। और दादू आप हमेशा मुझे पहचान लेते हैं ना। अच्छा अब ये बता, तेरे लेक्चर का सेशन कैसा गया? अरे दादू इट वाज फैंटास्टिक। आपको पता है मुझे वहाँ पे बेस्ट लेक्चर के खिताब से सम्मानित किया गया। अरे वाह। और तो और वहाँ पे यूके की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए थे, उन्हें मेरा लेक्चर इतना पसंद आया कि अब वो चाहते कि मैं वहाँ जाकर लेक्चर दूं। अरे वाह बच्चे वाह, यार इसका मतलब तू तो वहाँ पर छा गया। अरे बेटा तुझे याद है
मैं हमेशा तुझसे कहा करता था कि तू अपनी मेहनत और अपनी लगन से तूने अपना नाम इतना रोशन किया है, लेकिन आज आज मैं कहूंगा कि तेरी मेहनत और तेरी लगन के साथ साथ सुबह को भी थोड़ी क्रेडिट मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि सुबह तेरे लिए लकी है। देख, न सुबह तुझे पसंद आती, न तू शादी के लिए यहाँ रुकता, न तुझे बेंगलोर का इनविटेशन मिलता और न ही तुझे यूके का इनविटेशन मिलता। बोल, सुबह तेरे लिए लकी है ना? राइट, यू आर राइट दादू। लेकिन अब मैं जो आपको सरप्राइज देने वाला हूँ उसका क्रेडिट आप किसको देंगे ये बताइएगा। ओके, एक मिनट। लाडबा, मॉम, भाभी। जीत रहे बेटे, क्या हुआ? बताता हूँ। हाँ तो दादू, आई नो कि आपने ऑफिस में मेरे लिए केबिन बनवाई है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं इंडिया में रहकर हमारी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट संभालूं और हमारी बिजनेस में ध्यान दूं। Am I right? भाई सोचा तो यही था, पर अब जाने दे, तेरे सपने भी तो इम्पोर्टेंट है और ये बिजनेस तो फिर कोई भी संभाल लेगा। दादू, मैं अपने सपने भी पूरे करूंगा और साथ ही हमारे बिजनेस पर भी पूरा ध्यान लगाऊंगा। वो कैसे? इस सॉफ्टवेयर के जरिए। लडुआ, आप भी आइए ना। ये देखिए, मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया। दादू, आपने मुझसे इंडिया में रहकर जो एक्सपेक्ट किया था ना, उसका सोल्यूशन निकाल दिया और उसका सोल्यूशन है ये सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं वहां रहकर भी हमारे बिजनेस की हर एक चीज पर ध्यान रख पाऊंगा। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ग्रेट, बिल्कुल तेरे जैसा। थैंक्स दादू। और आप लोगों को कैसा लगा? क्या बात है, आप लोग थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं, क्या हुआ? मैं बताता हूं। रहने दीजिए। नहीं लाडू, इस बात से बकुला, इलावाऊ और रसिक को भी जवाब मिल जाएगा। बेटा, ये लोग ये मानते हैं कि सुबह के साथ तुम्हारा रिश्ता सही नहीं है। क्या सुबह तुम्हारे लिए आइडियल लाइफ पार्टनर बनेगी, इस घर की आदर्श बहू बनेगी? कोर्स बनेगी, व्हाई नॉट? लाडू बाब, मॉम, भाभी, सुबह को मैंने पसंद किया एंड आई एम 100% श्योर कि वो इस घर की आदर्श बहू जरूर बनेगी। ए, सुन लिया ना तुम लोगों ने? अरे वाह मेरे बच्चे, वाह। यही साड़ी पहनकर मैं ऋषि से शादी करूंगी। ऋषि को मैं पसंद आऊंगी ना इस साड़ी में? अरे नाना जी, इतनी सारी साड़ियां? हाँ बेटा, शादी में तेरे ससुराल वालों को देने के लिए लगेगी ना, पहरामणि के रूप में। देख, ये है तेरे लाडूबा के लिए, ये बकुला बेन के लिए और ये है इला बेन के लिए। बेटा अच्छी तो है ना, उन्हें पसंद तो आएगी ना? पता नहीं नानू, मैं उनके घर गई थी ना, तो वो लोग तो घर में भी सुंदर सुंदर और महंगी महंगी साड़ियां पहनकर घूमती हैं। हाँ बेटा, वो तो मैं भी जानता हूँ, मगर उनकी हैसियत और हमारी हैसियत में आसमान जमीन का फर्क है, पर हम अपनी हैसियत से देंगे। आप जानते हैं नानू, उनका घर है ना बहुत बड़ा है, ये बड़े बड़े सोफे, ये बड़े बड़े टेबल। अब तो मेरी बेटी उस घर का हिस्सा बन जाएगी है? मैं तो कहीं उस घर में खो ही जाऊंगी, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में आने तक रास्ता ही भूल जाऊंगी। उनका घर है तो बहुत बड़ा नानू, लेकिन ऐसा लगता है कि सब लोग एक दूसरे से दूर दूर ही रहते हैं, जबकि हमारा घर इतना छोटू सा है, लेकिन हम लोग दोनों कितने करीब है ना?
मेरा बस चले ना नानू, तो मैं तो ऐसे ही छोटू से घर में रहूं। चुप, पगली कहेगी, ऐसा नहीं बोलते। नानू, सच कहूँ ना, तो वहां जाने से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। अरे बेटा, तुझे सब अच्छा लगेगा वहां, थोड़ी चिंता करना छोड़ दे। और ये देख, ये कपड़े किसके है मालूम है? ये तेरे मोटू पतलू और पड़ाकू के लिए। वाह 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 नाना जी, इसमें तो मेरे मोटू पतलू पड़ाकू है ना, हीरो लगेंगे हीरो। और देख, ये साड़ी तेरी शलाका के लिए। वाह नानू, इतनी सुंदर साड़ी, इसमें तो मेरी सलूना फिल्म की हीरोइनी लगेगी, हीरोइनी। पता नहीं कहां चली गई है, या मेरी शादी होने वाली है और वो, सच कहूं ना नानू, तो आजकल ये सल्लू मेरी कुछ समझ में नहीं आती। यही साड़ी पहनकर मैं ऋषि से शादी करूंगी। ऋषि को मैं पसंद आऊंगी ना इस साड़ी में? शलाका बेटा, तुम कब आई? मैं बस अभी अभी। और बेटा, ये सब साड़ियां? मैं वो, हाँ, अलमारी साफ कर रही थी मैं। बेटा, वैसे तुम यहाँ नहीं आती तो अच्छा होता, क्योंकि परसों ही सुबली की शादी है, और क्या तुम उसे ऋषि की दुल्हन बनते हुए देख पाओगी? अब जो नसीब में लिखा है वही होगा, जिसके नसीब में ऋषि लिखा है ऋषि उसका ही होगा। बेटा तू क्या कह रही है, मैं समझा नहीं। कुछ नहीं पापा, बस अगर सुबह यहाँ आए ना तो उसे बताना मत कि मैं माधवपुर आई हूँ, वरना वो शादी में साथ रहने की जिद करेगी। डोंट वरी बेटा, मैं समझता हूँ, बस बिचारी की शादी हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो। गड़बड़ तो होगी पापा, गड़बड़ तो होगी, क्योंकि शादी ऋषि और सुभा की नहीं, ऋषि और शलाका की होगी। आज मेरी हल्दी है, मैं खुद है मेरे ऋषि के नाम की हल्दी लगाऊंगी।